उसके बाद घुमाओ माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे क्या करना है, एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पे माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है या इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना भी है तो कैसे करेंगे, क्लिक करने के बाद ही तो सेलेक्ट हो या क्लिक हो। फिर आप एक और बॉक्स आ जाएगा, प्ले करो। उसके बाद अपने पॉइंटर को पेन लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर जाए और लेफ्ट बटन से क्लिक करें तो आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। समझ में आ गया, पेंट की फाइल को कैसे ओपन करना है, सबको समझ में आ गया। ओपन कीजिए पेंट की फाइल को जैसे जैसे बताया गया है। यहाँ तक कराने के बाद आप सबका चेक करेंगे कि सबने पेंट की फाइल को ओपन किया है अथवा नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पेंट की फाइल को ओपन करने में तो आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे, या तो दोबारा से वीडियो को प्ले करेंगे या उन्हें बताएंगे उस चीज को। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है जो कि यहाँ पे है। उसके बाद क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आएगा और प्रोग्राम, फिर एसोसरीज, फिर वहां पे पेन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं उसके बाद सामने ही पेंट दिखता है, वहां से क्यों नहीं हम ओपन कर सकते, कई बार वहां नहीं दिखता है, किसी किसी विंडो में वहां नहीं दिखता है वो, तो इसलिए हमने उस तरीके को बताया जहां से उनको मिल सके, हमने उसको रख दिया होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास जैसे एचपी है तो उसमें कहीं नहीं आएगा, सेटिंग होता है वो नहीं आता है, तो बोलेंगे कि नहीं है यहाँ पे, तो ये तो तरीका गलत हो जाएगा। पर ऐसे करने पे वो चीज मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए हमने इस वाले मेथड को रखा है। क्लियर है सबको? क्या आप सभी ने एमएस पेंट की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर किसी को एमएस पेंट की फाइल को ओपन करने में कोई समस्या हो तो वीडियो के द्वारा आप एमएस पेंट की फाइल को ओपन करना सीख सकते हैं। यह एमएस पेंट की फाइल है, अब इस चित्र में देखें और बताएं कि ड्राइंग करने के लिए हमें जिन टूल्स की जरूरत होती है वह उपलब्ध है या नहीं। सामने चित्र दिखाया जा रहा है आपको, ड्राइंग करने के लिए किन किन टूल्स का जरूरत होता है, हमें किन किन चीजों का आवश्यकता होता है ड्राइंग करने के लिए, क्या वो सभी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं। अब इनको देखिए सामने दिखाया गया ना रेड कलर से बॉक्स बना के, विंडो एचपी में भी और विंडो 7 में भी, इसको बोलते क्या है, कहते क्या है इन चीजों को। जैसे हम अपना ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में ये ज्योमेट्री बॉक्स है, बट इसको बोलते क्या है, कहते क्या है, टूल बॉक्स। इस चीज को आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आप मैथ्स के जो भी चीजें हैं ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं उसमें पेंसिल वेंसिल रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी उन चीज को रखने के लिए पेंट के अंदर ये जो होता है उसको टूल बॉक्स कहते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। पेंट के सीट में आपको बहुत से टूल दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि पेंसिल, कलर, इरेजर, ब्रश और साइज, क्या बता सकते हैं इस बॉक्स को क्या कहते हैं? इसे टूल बॉक्स कहते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दो टूल बॉक्स दिखाया जा रहा है, जो लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है वह विंडो एक्सपी है और जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है वह विंडो 7 का है। मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि ये एक्सपी है और ये 7 है, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया था, यहाँ पे बताया जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि लेफ्ट में ना विंडो एक्सपी है और राइट में विंडो 7, क्योंकि आप ट्रेनर हैं आपको बताना जरूरी है, तभी आप स्टूडेंट को बता देंगे, बाकी हम इसमें तो बताएंगे ही। टूल बॉक्स में वे सभी टूल उपलब्ध रहते हैं जिनकी आपको ड्रॉइंग करते समय जरूरत होती है। दिए गए चित्र में कुछ बटन को गोल सर्कल से दिखाया गया है, क्या आप जानते हैं
इन्हें क्या कहते हैं सर? सामने ये जो दिखाया गया तीन सर्कल में बटन, इनको क्या कहते हैं? मिनिमाइज करने हैं, मिनिमाइज बटन है एक, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रेसोल्व बटन है एक, वो है कट क्लोज विंडो, विंडो क्लोज करने के लिए। आप सभी को पता है, आप सभी को इन तीनों बटन के बारे में मालूम है? ये मालूम है फंक्शन क्या है, लेकिन तीनों कहते क्या ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आंसर सुनिए एक-एक करके। और इनका उपयोग किस लिए करते हैं? आपको ना जो वीडियो में बताया जाएगा, आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना है। अगर आप यहाँ नहीं करोगे ना जी, तो आप उनको नहीं सिखा पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो ये नहीं कि आपको देखना है, आपको करना है और उसको समझना है कि ये कैसे करा सकते हैं। ठीक है, पेंट की फाइल के ऊपर राइट साइड में तीन बटन दिए गए हैं, जिनके उपयोग से हम अपने फाइल को बंद, छोटा और बड़ा या छुपा सकते हैं। इन बटन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज बटन कहते हैं। इन बटन सामने दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं आपको, तो ये रिस्टोर डाउन हो जाता है। अगर आपको सिंगल दिखे तो मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज मतलब आप उसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल रेक्टेंगल दिखे, इसका मतलब क्लिक करेंगे तो आपके पेंट का जो फाइल ओपन है वो बड़ा हो जाएगा। छोटे विंडो में है तो उसको बड़ा कर लेंगे, अगर बड़ा है उसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर किसका उपयोग करेंगे? रीस्टोर डाउन का। समझ में आ रहा है? अगर दो रेक्टेंगल है तो क्या कहेंगे इसको? रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन। अगर सिंगल है तो मैक्सिमाइज। मैं ये सबसे क्वेश्चन करूंगा, सबसे पूछूंगा मैं, मेरा मेथड क्या अलग हो सकता है? मैं यहाँ बता रहा हूँ इस तरीके से, मैं बाद में किसी और तरीके से पूछूंगा। ये जो पूरा बार है इसको क्या कहते हैं? अभी आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। पहला बटन क्रॉस के जैसा दिखाई दे रहा है, इस बटन को क्लोज बटन कहते हैं। अब आपको ये जो क्रॉस की तरह दिख रहा है, मल्टीप्लाई के साइन की तरह दिख रहा है, गुणा के सिंबल की तरह दिख रहा है, चिन्ह की तरह, इसको क्या बोलते हैं? क्लोज बटन। क्लोज बटन, क्लोज बटन का मतलब होता है आप बंद कर सकते हैं अपने फाइल को, इसको तो हम टेक्निकल क्लोज बटन ही कहते हैं। अभी आपको एक्सप्लेन करना है ये क्लोज का मतलब होता है बंद कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इससे कर देंगे तो सेव तो नहीं हुई होगी ना वो सेव। और जैसे अगर पेंट में आपने कोई भी एडिटिंग किया है, कुछ भी ड्राइंग बनाया है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कहेगा कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? अगर आप कुछ भी नहीं ऐसे ही ओपन किया है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट क्लोज करो तो क्लोज हो जाएगा, वो सब कुछ आगे आपको मिल जाएगा। प्ले करो, क्लोज बटन से आप किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको अपने फाइल को क्लोज नहीं करना है, इसलिए आप क्लोज बटन के बारे में आगे सीखेंगे। तीसरा बटन जो कि माइनस के जैसा दिखाई दे, हमने क्लोज बटन के बारे में यहाँ पे क्यों नहीं सीखा? क्योंकि अभी हमें अपने फाइल को क्लोज नहीं करना है, हमें और भी कुछ चीजें सीखना है। अगर आप चाहें कि नहीं आप क्लोज करके उनको दिखाएं कि क्या, और अभी तो उन्होंने ओपन किया है, कोई भी एडिटिंग नहीं किया उसमें, तो अगर आप चाहते हैं उनको दिखाने के लिए तो आप क्लोज करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने बोला कि नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें और कुछ सीखना है, इस वीडियो को आगे ले जाना है। आप वहां पे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप करा लें, और दोबारा से फिर से पेंट की फाइल को ओपन करना सीखा लें, ओपन करना सीखा लें। अब जैसे अगर कुछ लोगों को यहाँ प्रैक्टिस नहीं होता, जैसे प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, वीडियो यहीं पे रोक देता, मैं सबको क्लोज कराता और दोबारा से पेंट की फाइल अपने मन का कहता ओपन कीजिए, आप लोग दिखाइए मुझे। मैं तब तक कराता जब तक ये लोग अच्छे से ना कर ले, फिर मैं आगे बढ़ाता क्लास को। एक बार सब लोग क्लोज कीजिए पेंट की फाइल को, मैं देखना चाहता हूँ। एक बार इसको मिनिमाइज करके ना पेंट फाइल ओपन करो,
और उसके अंदर विंडो को छोटा करना, तो पेंट का सीन होता है उसे छोटा कर देना। सबने किसी ने पेंट की फाइल को ओपन नहीं किया था ना? नहीं ओपन किया था मैंने, क्लोज करके दोबारा खोल दिया। आपको तरीका बताया गया था, आप तरीके से ओपन कीजिए। स्टार्ट बटन पे लेके आइए विंडो को, पॉइंटर को अपने हाथ क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम एसोसरीज पेंट। अभी क्या है आपकी फाइल छोटा है ना, इसको कैसे बड़ा करेंगे आप? हाँ क्या कौन सा बटन है? मैक्सिमाइज, ये सब ध्यान रखना है। इसके पेज को देखिए, कई बार क्या होता है जब आप पेंट की फाइल ओपन करेंगे ना, आप क्लास ले रहे हैं, पेंट की फाइल आपने ओपन किया तो इस टाइप का आपका पेंट का सीट आएगा। आप किसी का पूरा फुल आएगा पेज, किसी का छोटा होगा, कम होगा। हाँ। तो आप इसको कैसे ठीक कराएंगे? हमने तो यहाँ नहीं बताया कि इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी किसी सिस्टम में आता है। हाँ। 10 है तो 5-8 तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं। हो सकता है सभी में आ जाए, हो सकता है नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो आप इसको कैसे ठीक कराएंगे? सर अगर ये प्रॉब्लम होगा तो दो तरीके हैं इसको ठीक करने का। पहला इसको तो ये एरो से लेके इसको जो आप खींच दीजिए पूरा आ जाएगा। एरो को यहाँ से लेकर अंदर खींच दीजिए।